दोस्तों मैं राकेश मेहरा राकेश मेहरा जी के क्लासेज की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं राजस्थान कर्ण जी के स्पेशल सीरीज के इस पार्ट में आज हम राजस्थान में जो सियासी संकट पनप रहा है उसकी हम चर्चा करेंगे हालांकि इस सियासी संकट पर अभी विराम नहीं लगा है लेकिन जो भी स्थितियां हमारे सामने हैं उसको मैं अभी क्लियर करना चाहूँगा कुछ बातें हमारे सामने आई हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है उसी को आधार बनाकर ही इस वीडियो को तैयार किया गया है हालांकि इस वीडियो में काफ़ी अपडेट लगेंगे और जो आने वाले पार्ट में आपको क्लियर कर दिए जाएंगे ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगता है तो आप इसे अपने दोस्तों को शेयर करें सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें इसके अलावा हम डिस्क्रिप्शन में इसके पी से संबंधित एक लिंक दी गई है जिस जो कि आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध होती है वहाँ पर इंस्टीट्यूट से संबंधित जो अन्य सूचनाएं भी होती हैं वो भी दे दी जाती है इसके अलावा ऑनलाइन स्टडी मटेरियल को परचेज़ करने से संबंधित जो हमने ऐप को स्टार्ट किया है ऐप जो हमने लॉन्च की है उसको डाउनलोड करने से संबंधित लिंक भी दिया गया है और हमारा स्टडी मटेरियल आपके एग्ज़ाम से कितना मैच करता है कि आपकी रणनीति से कितना वो मेल खाता है इसी को ध्यान में रखते हुए आपकी समझ को विकसित करने के लिए तीन डेमो वीडियो दिए गए हैं जो कि जनरल साइंस जनरल जी और राजस्थान जी से संबंधित है वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है आप उसे ज़रूर देखें उससे आपको ये पहचान होगी कि राकेश मेहरा जी के, के क्लासेज के द्वारा जो आपकी तैयारी के लिए जो प्रयास किया जा रहा है वो कितना मजबूत और रणनीतिक है स्ट्रेटेजिकल बोलते हैं इसको वो है तो इस सूचना के बाद में अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ और मेरे टॉपिक में जो राजस्थान का सियासी संकट है इसको हम समझ के करेंगे कुछ बातें हैं जो मैं बाद में लेकर आऊँगा लेकिन यहाँ एक रूपरेखा हम, हमें बनानी पड़ेगी कि ये सियासी संकट जो है किस तरीके से है क्या है हालांकि देखिए हर दल की अपनी एक समस्या होती है हर दल का अपना एक सिस्टम होता है और उसके अंदर जो भी मंत्री विधायक या सदस्य जो भी होते हैं उनके अपने अपने हित होते हैं उन हितों को ध्यान में रखते हुए वो कोई डिसीज़न लेते हैं वो हित किसी भी रूप में हो सकते हैं ये आत्मसम्मान के रूप में भी हो सकते हैं आपने राजस्थान के संदर्भ में ये बात सुनी होगी कि सचिन पायलट जी ने यह कहा है कि उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए यह है बगावत ज़रूरी थी यह सियासी संकट का जो कारण उन्होंने अपने आत्मसम्मान की ठेस को पहुंचाना बताया आपने एग्जाम की दृष्टि से इस टॉपिक को तैयार करना है और ध्यान रहे मेरी कोई भी बात है वो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है मेरी पूर्णतया हंड्रेड परसेंट जो भी बातें हैं वो आपके एग्जाम को ध्यान में रख कर की गई है इसे अंडरलाइन कर लें किसी भी राजनीतिक पार्टी का पक्ष या विपक्ष मेरी बातों में आप ना देखें ये आपके एग्जाम की दृष्टि से संबंधित है जो कि आने वाले एग्जाम आपके पटवारी कॉन्स्टेबल या अन्य कोई भी एग्जाम है उनमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसी को आधार बनाकर किया गया है तो हेडिंग डाल दीजिए राजस्थान में सियासी संकट अब देखिए राजस्थान में जो ये सियासी संकट पनपा है ये वर्तमान सरकार में ही पनपा है और वर्तमान सरकार आप जानते हो कांग्रेस की सरकार है तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि कांग्रेस में अंदरूनी बगावत एक तरीके से आप शब्द इस्तेमाल कर सकते हो अंदरूनी बगावत यह जो अंदरूनी बगावत है ये दो गुट के रूप में सामने आ रही है एक तो अशोक गहलोत वर्सेज सचिन पायलट इस रूप में सामने आ रही है आप सभी जानते हो कि अशोक गहलोत जो है ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं चीफ मिनिस्टर हैं और ये तीसरी बार बने हैं और जो सचिन पायलट जी हैं, ये राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और ये इस बार पहली बार बने हैं और ये राजस्थान के पांचवें उप मुख्यमंत्री हैं आप जानते हो हम जब पॉलिटी करते हैं तो पढ़ते भी हैं राजस्थान के जो पहले उप मुख्यमंत्री रहे हैं वो टीका राम जी पालीवाल रहे हैं इसे? से सचिन पायलट जी ऐसा बता रहे हैं कि लगभग 20 विधायकों या 19 विधायकों अब इनकी संख्या पर जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोई 19 कह रहा है कोई 30 कह रहा है कोई 20 कह रहा है एक्सेट्रा जो भी है वहाँ हम नहीं जाना चाहते हैं लेकिन अपने ग्रुप को लेकर अलग खड़े हो गए हैं सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं और उस सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं जिस सरकार में वो मंत्री है तो इस सियासी संकट के बीच में एक बात ये हुई, हुई कि जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने एक नोटिस जारी किया एक लाइन लिखिए विधानसभा अध्यक्ष ने 19 विधायकों को ये सचिन पायलट सहित है को नोटिस जारी किया अब इन्होंने नोटिस जारी किया इन्होंने कहा कि आप बताइए कि पार्टी में हो या नहीं पार्टी में हो या नहीं ये नोटिस जारी किया इन्होंने और ये जो इन्होंने नोटिस जारी किया है ये अनुसूची मतलब शेड्यूल दस के तहत जारी किया है अनुसूची जो दस है मैं बात करूंगा ये दल बदल से संबंधित होती है तो ये जो अनुसूची है ये जो सदस्य दल बदल करता है उसकी अयोग्यता के निर्धारण से संबंधित है और इस दिशा में अभी तक दल बदल की बात आई नहीं है और सचिन पायलट जी ने अपने बयान में ये कह भी दिया है कि वो भाजपा में जाने के पक्ष में नहीं है इस तरीके के दो तीन स्टेटमेंट आपने देखे भी होंगे तो इस नोटिस के खिलाफ क्या है हाई कोर्ट में गए हैं ये लो इसका जो विरोध हुआ है इस नोटिस का इस विरोध के कारण इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है हाई कोर्ट में क्या चुनौती दी गई है कि आपने अनुसूचित दस के तहत जो हमें नोटिस जारी किया है वो असंवैधानिक है अब ये असंवैधानिक है या नहीं है इसकी जांच कोर्ट करेगा और कोर्ट ने अपना फैसला दे भी दिया है अभी बात करूंगा मैं और उस फैसले को उसने सुरक्षित रखा है अभी शायद चौबीस जुलाई तक सुरक्षित रखा है अब देखते हैं आगे की स्थिति क्या बनती है यहां पर आपके जो क्वेश्चन बनता है हाई कोर्ट में चुनौती किसने दी मतलब याचिका किसने लगाई यहां से क्वेश्चन उठता है विधायक पीआर मीणा के द्वारा यह कोर्ट में चुनौती लगाई गई है अब ऑब्वियसली बात है इसकी सुनवाई है और इसकी सुनवाई जो है इसमें क्या है जो विधानसभा अध्यक्ष है इनकी तरफ से जो वकील है वो तो है अभिषेक मनु सिंघवी ये नाम याद रखने पड़ेंगे आपको याचिका किसने दायर की राजस्थान में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं हालांकि इंडिया लेवल पर यदि कोई बात होती है तो शायद कम बने लेकिन राजस्थान है एक क्षेत्र विशेष की बात है तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया था उस पर याचिका किसने दायर की थी विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से वकील कौन थे अभिषेक मनु सिंह भी इसके अलावा सचिन पायलट ग्रुप की तरफ से इनकी तरफ से जो वकील हैं ये है हरीश सालवे हालांकि और भी कई वकील होते हैं मैं मुख्य रूप से बात कर रहा हूं अभिषेक मनु सिंघवी जो है ये राजस्थान के महाधिवक्ता भी है एडवोकेट जनरल भी है सरकार की तरफ से है ये और ये जो विधानसभा अध्यक्ष हैं आप जानते हो ये है हमारे सीपी जोशी तो सीपी जोशी ने जो नोटिस जारी किया है उसके खिलाफ ये याचिका दायर की गई है अब यहां से आपके क्वेश्चन आ जाता है कि विधायकों को नोटिस जारी करने का अधिकार किसके पास होता है विधानसभा अध्यक्ष को होता है यहां जो अनुसूचित दस है उसकी मैं बात करूंगा लेकिन फिलहाल मैं आपको आज की न्यूज ही बता देता हूँ आज की न्यूज ये है हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि वो 24 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी आप ये कह सकते हो कि हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन 24 जुलाई तक सुरक्षित रखा है तो एक लाइन लिख दीजिए यहां पर हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन 24 जुलाई तक सुरक्षित रखा है अब देखते हैं 24 जुलाई को क्या घटनाक्रम होती है और इस अवधि तक विधानसभा अध्यक्ष कोई कार्यवाही नहीं करेंगे ओबियसली बात है जब हाई कोर्ट ने डिसीजन को सुरक्षित रखा है तो विधानसभा अध्यक्ष वैसे भी काम नहीं कर सकते मतलब कार्रवाई नहीं कर सकते तो अब 24 जुलाई को क्या डिसीजन आता है हम तब उसकी चर्चा करेंगे उससे पहले कोई भी अपडेट होगा हम साथ साथ लेते चलेंगे फिलहाल जो मैं आज आपके सामने बात करने जा रहा हूं वो है अनुसूची दस इस पर बात करने जा रहा हूं मैं हल्की सी बात करूंगा लेकिन उस हल्की बातों में ही आपके पूरे एग्जाम का सार होगा तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर लीजिए उसके बाद में अनुसूची दस पर चर्चा करूंगा अनुसूची इसको बोलते हैं शेड्यूल टेन ये जो है दल बदल कानून से संबंधित है दल बदल कानून से संबंधित है हमारे भारतीय संविधान में यदि हम मूल संविधान की बात करें तो आठ अनुसूचियां थी और वर्तमान में इसको संशोधन के तहत जो शामिल करके हमने अनुसूचियां बनाई है वो टोटल बारह है तो आज की डेट में भारतीय संविधान में बारह अनुसूचियां हैं ये जो दसवीं अनुसूची है इसको जो शामिल किया गया था इसके लिए बाकायदा संविधान में एक संशोधन किया गया था लिखिए संबंधित संशोधन अमेंडमेंट बोलते हैं ये था बावनवा संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 आपके जब पुराने पेपर देखते हैं तो यह क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत में दल बदल से संबंधित कानून कब बने थे ये बात आई हुई है तो इसमें दल बदल से संबंधित जो कानून बने हैं क्या बात कहता है ये इसमें लिखिए इसके तहत किसी सदन अब सदन तो आप समझते ही हो संसद है विधानसभा है किसी सदन का सदस्य अयोग्य होगा यदि अब कुछ बातें करेंगे हम यदि वह अपनी मर्जी से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है इसके कहने का मतलब यह है कि यदि कोई सदस्य जो कि राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है वो यदि उस राजनीतिक दल को छोड़ देता है अपनी मर्जी से जैसे विधानसभा में आ गया वो और यदि वो अपनी मर्जी से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है तो वो अयोग्य होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि सचिन पायलट जी अपनी मर्जी से कांग्रेस को छोड़ देते हैं कांग्रेस एक राजनीतिक दल है तो उनकी सदस्यता अपने आप ही निरस्त हो जाएगी ये इसके अंदर कहा गया है क्लियर दूसरी बात राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मतदान करता है या एबसेंट रहता है समझिए इस बात को क्या कानून क्या है यदि राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मतदान करता है या एबसेंट रहता है यदि राजनीतिक दल के दल ने निर्देश जारी कर दिया मैं बात करूंगा एक शब्द होता है विप विप शब्द होता है एक यदि इसके विपरीत मतदान जारी करता है और राजनीतिक दल जो कहता है कि आपने इसके पक्ष में मतदान देना है या विपक्ष में मतदान देना है कोई निर्देश जारी कर दिए उस निर्देश के विपरीत यदि मतदान करता है या आता नहीं है एबसेंट रहता है तो उसकी सदस्यता निरस्त की जा सकती है क्लियर यह ध्यान रखना यह दूसरा पॉइंट है इसका अब आइए कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद यदि किसी राजनीतिक दल की सदस्यता स्वीकार कर लेता है निर्दलीय सदस्य क्या होते हैं जो किसी दल की तरफ से चुनाव नहीं लड़ते आप समझते ही हो बिना किसी दल के अपना चुनाव लड़ते हैं निर्दलीय वो चुनाव जीत जाता है और चुनाव को जीतने के बाद यदि वे किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को स्वीकार कर लेता है तो उसकी सदस्यता निरस्त हो जाती है वह अयोग्य माना जाता है ध्यान रखना अभी आप न्यूज़पेपर में क्या सुन रहे हो कांग्रेस के इतने सदस्य हैं कांग्रेस को इतने निर्दलियों का समर्थन प्राप्त है कांग्रेस को इतने निर्दलियों का समर्थन प्राप्त है मतलब समर्थन है आप उन निर्दलियों को यह नहीं कह सकते कि यह कांग्रेस पार्टी के हैं निर्दलीय ही कहा जाएगा उनको अब यदि उनमें से कोई निर्दलीय कांग्रेस में शामिल होता है राजनीतिक दल ग्रहण करता है तो वो अयोग्य होगा क्लियर ये बातें तीन बातें हैं मैंने बेसिक रूप से ये तीन बातें बताई है और वर्तमान संदर्भ में देखते हुए हैं वर्तमान में आप देखिए यहां इसकी यदि मैं बात करूं कि राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत यदि मतदान करता है जैसे यदि बहुमत पड़ता है जैसे मान लीजिए सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करना हो तो यदि यहां पर सरकार ये निर्देश जारी कर दे दल ये निर्देश जारी कर दे कि आपको पक्ष में मतदान देना है और यदि पक्ष में मतदान ना दे तो उसकी सदस्यता निरस्त हो जाती है यहां पर कुछ अपवाद है आइए ये अपवाद इंपोर्टेंट है इनका अपवाद है क्या अपवाद है लिखिए यदि किसी दल के एक बटा तीन सदस्य सदन में एक नए दल का गठन कर लेते हैं यदि किसी दल के एक बटा तीन सदस्य सदन में एक नए दल का गठन कर लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आप यह कह रहे हो कि यदि वो राजनीतिक दल की सदस्यता स्वीकार कर लेगा तो उसकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी बिल्कुल सही है आपके सामने सारी बातें हैं यदि राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है तो सदस्यता निरस्त है विपरीत मतदान करता है तो सदस्यता निरस्त है निर्दलीय चुनाव के बाद में किसी राजनीतिक दल की सदस्यता स्वीकार कर लेता है तो वो अयोग्य हो जाएगा सारी बातें लेकिन यहां पे ये यह कहता है कि यदि किसी दल के एक बटा तीन सदस्य सदन में एक नए दल का गठन कर लेते हैं तो फिर अनुसूची दस में जो ये नियम दिए गए हैं ये जो कानून दिए गए हैं ये लागू नहीं होते हैं क्लियर जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि सचिन पायलट जी है वो कांग्रेस में है अभी तो कांग्रेस में ही है वो कांग्रेस में है और यदि कांग्रेस के एक बटा तीन सदस्य एक नई पार्टी बना लेते हैं तो फिर उनकी सदस्यता निरस्त नहीं होगी लेकिन आंकड़ा क्या होना चाहिए एक बटा तीन कांग्रेस के जितने भी सदस्य हैं उसके एक बटा तीन सदस्य यदि एक साथ अलग होते हैं समझे बात को किसी दल के यदि एक बटा तीन सदस्य एक साथ अलग होकर नई पार्टी बनाते हैं तो पर तो उन पर अनुसूचित दस के नियम लागू नहीं होते हैं ऐसा एक बार असम के मामले में हुआ था क्लियर तो ये ध्यान रखें अब इसको और मजबूत बनाया गया ये 2003 में इसको मजबूत बनाया गया था एक लाइन लिख दीजिए इसे और मजबूत बनाने के लिए नाइन्टी में संविधान संशोधन 2003 के तहत कुछ नए प्रावधान जोड़े गए इसको और ज्यादा मजबूत बनाया जाए क्योंकि कि जो भी दल बदलेगा उसके लिए और क्या प्रावधान है क्या कहा गया हालांकि बहुत सारी बातें थी इसके अंदर इसके अंदर यह भी बातें थी कि मंत्री कितने बनेंगे ये भी बातें थी मैं वहां नहीं जा रहा मैं दल बदल की ही बात कर रहा हूं लिखिए यदि कोई सदस्य चाहे वो संसद का हो चाहे वो विधानसभा का हो दल बदल कानून के तहत अयोग्य करार दिया जाता है संसद में मंत्री पद धारण नहीं कर सकता संसद में मंत्री पद धारण नहीं कर सकता है यह बात लिखी हुई है आर्टिकल 75 के तहत इसमें यह नया प्रावधान जोड़ा गया था कि यदि किसी व्यक्ति को किसी सदस्य को दल बदल कानून के तहत अयोग्य करार दिया गया है तो वह सेंटर में या संसद में किसी भी मंत्री पद को स्वीकार नहीं कर सकता उसे मंत्री पद नहीं दिया जा सकता यह बात कही गई है आर्टिकल 75 में इसके अलावा विधानसभा में या विधानमंडल भी कह सकते हो मंत्री पद धारण नहीं कर सकता ये बात कही गई है आर्टिकल 164 में समझिए क्या कह रहा है दल बदल कानून के तहत यदि कोई अयोग्य करार दिया गया है तो वह संसद में मंत्री पद धारण नहीं कर सकता अब आप सोचोगे सर वो तो अयोग्य ही हो गया मंत्री पद कैसे धारण कर सकता है देखिए बिल्कुल धारण कर सकता है मंत्री को बना मंत्री बनाया जा सकता है उसे ठीक है कोई भी व्यक्ति उसको मंत्री बनाया जा सकता है यह हम कॉन्स्टिट्यूशन में चर्चा भी करते हैं इसकी जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं लोकसभा चुनाव में अरुण जेटली जी हार गए थे आपको पता होगा ही तो अरुण जेटली जी जब हार गए थे लेकिन फिर भी वो वित्त मंत्री के पद पर रहे थे तो कोई भी व्यक्ति चाहे वो चुनाव हार गया है वो मंत्री बन सकता है लेकिन छह महीने के भीतर उसे किसी एक सदन की सदस्यता स्वीकार करनी पड़ती है जैसे उस कंडीशन में अरुण जेटली को राज्यसभा में सदन का नेता बना दिया गया था अब जैसे यदि उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक बात कहूं जैसे सचिन पायलट जी अकेले अकेले यदि कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें मंत्री पद नहीं बना दिया जा सकता सेंटर में भी नहीं दिया जा सकता यहीं भी नहीं दिया जा सकता लेकिन यदि सचिन पायलट अपने ग्रुप सहित एक बटा तीन सदस्य लेकर अलग हो जाते हैं तो फिर उन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है अर्थात उन पर यह अनुसूचित दस का जो नियमावली है यह लागू नहीं होगी तो यहां पर आपने जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है किसी भी सदन का कोई सदस्य अयोग्य कब होगा तो इन तीन बातों में और अपवाद यह है एक बटा तीन सदस्य यह ध्यान रखना यह इंपॉर्टेंट है और 2003 में जो नए प्रावधान जोड़े गए थे कि दल बदल कानून के तहत यदि कोई सदस्य अयोग्य करार दिया जाता है तो वह है, कोई भी मंत्री पद धारण नहीं कर सकता चाहे वह संसद में हो चाहे वह विधानमंडल में हो यह तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर लीजिए तो दोस्तों आज हमने राजस्थान के सियासी संकट को जानने का प्रयास किया है इसके अलावा मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में जो अनुसूची 10 होती है जिसके तहत विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने नोटिस जारी किया था 19 विधायकों को और उसी के खिलाफ ही कोर्ट में उसको चुनौती दी गई और उसके तहत जो डिसीज़न आया है वो डिसीज़न ये आया है कि 24 जुलाई तक फैसला सुरक्षित है इस अवधि में विधानसभा अध्यक्ष कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे तो देखते हैं आगे के क्या हालात बनते हैं वो भविष्य के गर्भ में हैं जैसी कोई अपडेट आएगी हम उसको करते रहेंगे और आज हमने अनुसूचित दस को पढ़ने का प्रयास किया है जो कि दल बदल कानून से संबंधित है इसमें ये बताया गया है कि किसी भी सदस्य को चाहे वो संसद का सदस्य हो चाहे वो विधानसभा का सदस्य हो वो अयोग्य कब होगा और जो मैंने आपको इसके अंदर अपवाद बताया है वो महत्वपूर्ण ध्यान रखें तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें इसके अलावा आप अपनी जरूरत के आधार पर लिंक्स को भी महत्व दे सकते हो तो इजाज़त दीजिए आप सभी को मेरा नमस्कार